गुड मॉर्निंग। और हम जा रहे हैं एक संडे ब्रेकफास्ट राइड पे हमारे हैदराबाद एडीवी राइडर्स के साथ। तो ये मेरा पहला राइड है इनके साथ। सुबह 5:30 बजे KTM बेगमपेट आने का प्लान था, बट आज मैं लिंगमपल्ली पे रहता हूँ, तो मैं एक्चुअली पिलर नंबर 70 के पास जा रहा हूँ अभी। तो वो लोग वहाँ पे आएंगे और वहाँ से निकलते हैं। और कितने लोग आ रहे? एक जना आ रहा है। ओके ओके ओके। बोला यार इट वाज ऑसम। सब लोग आ गए, 6 में से सिर्फ 4 लोग अभी आए। सो ये है डीट सोल्ड। अभी निकल रहे हैं यहाँ पे पिलर नंबर 70 के पास हैं पीवी नरसिम्हा राव। इस पे तो चढ़ ही नहीं सकते, तो नीचे से जाना पड़ेगा। डेस्टिनेशन है फूड पिरामिड। हाँ, सेम रूट बेंगलुरु हाईवे। वाह, सनराइज बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बड़ा दिख रहा है सन। और वो जो शेड्स दिख रहे हैं ऑरेंज से लेके ब्लू, एक्चुअली रेड से लेके ब्लू, सब कलर्स दिख रहे हैं स्काई में। ये है हैदराबाद का वॉलमार्ट, स्टोर का नाम है बेस्ट प्राइस बाय वॉलमार्ट। मेरे साथ है आदित्य द रीड्स वर्ल्ड। और मेरे सामने अभी राइट मेरे सामने है जेसी, और मेरे पीछे है जे। तो हम 4 लोग जा रहे हैं। जैम, मुझे लगता है कुछ हुआ होगा क्योंकि सामने एक जंक्शन है। इट्स अ वेरी डेंजर जंक्शन क्योंकि ये है एलिवेटेड और वो डाउन जाता है। यस, कुछ क्रेन है वहाँ पे। आई थिंक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है। बाप रे, देयर इज एक्सीडेंट। एक कार है जो बहुत ही स्मैश हो गया है। ये देख सकते हो, शिट भाई, कार तो पूरा गया। गाइस, वेयर सीट बेल्ट और राइड करने के टाइम पे हेलमेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरा हैदराबाद टू बेंगलुरु वीडियो देख सकते हो कि कितना लगेगा टोल अगर आपके पास, आप अगर कार में जा रहे हो हैदराबाद टू बेंगलुरु। ओके, ओल्ड गोप्रो। अरे चलो यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए। सो ये रहे चारों के चारों बाइक्स, सब वाइट है। लास्ट राइड रहेगा, इतना विंड ब्लास्ट लेके क्योंकि ऑलरेडी
मैंने कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड खरीद लिया है। सो हियर वी आर फूड पिरामिड। सो ये रहा आज का राइड डेस्टिनेशन। अभी ब्रेकफास्ट करके आए बाहर। सो यहाँ पे देख सकते हो लाइनअप, 4 KTM ADV और एक स्पेशल बाइक। S1000 RR द बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन और द बेस्ट बाइक। एक दोस्त का गाड़ी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ। ही हैज मेड सम मॉडिफिकेशंस विद द बाइक। ब्रो गाड़ी कहीं पे गिरा है क्या? कड़कड़ आवाज आ रहा है ना? नहीं नहीं क्रॉस दिख रहा है। क्रॉस एवरी KTM है। एवरी KTM फ्लाइट है। नहीं ना दिया लगे तो आरसी अन्य अंतर आ गए। जैसे जैसे नॉन प्रॉब्लम कम फ्रॉम फ्रैक्चर। चलो अब यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत देर हो गया है। ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 10:35। 4700 4700 एग्जैक्ट। सो 4700 हो चुका है मेरे रोड पे। अभी रिटर्न। लेट्स गो। वाह सच में एयर सीट है तो लाइफ ब्लिस है भाई। मुझे एयर सीट चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। हाँ 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 कितना आराम है अभी एयर सीट से। बहुत अच्छा लगा सबको मिलके। और S1000 RR वो तो अमेजिंग बाइक है। चलाया नहीं है देखने में और वो कलर स्कीम बहुत ही तगड़ा दिख रहा था गाड़ी। और आपने उसका एग्जॉस्ट साउंड सुना ही होगा कितना लाउड है। मेरे तो कान सुन हो गए थे। सो या ऑलमोस्ट थोड़े बहुत बहुत देर तक हम लोग बात कर रहे थे। चिट चैट हो रहा था बाइक्स के बारे में, राइड्स के बारे में। अभी मुझे जाना है वी गियर एक बार हैदराबाद एंटर होने के बाद। वी गियर में मेरे को विंडशील्ड लगवाना है और वो लगाने के बाद उसके बाद घर जाना है। तो मिलते हैं एक बार सिटी में एंटर होने के बाद। सो फाइनली वी आर बैक। सो ORR के पास आ चुके हैं। इट्स टाइम टू से गुड बाय आज के लिए। और 34 किलोमीटर का टाइम का ऑन इला इला सर्विस रोड है मतलब 34 का। अच्छा तो निकलो निकलो ठीक है। चलो चलो बाय 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 बाय।
सो अभी हमें जाना है KPHB फोरम मॉल के पास। वी गेस 2 hours later. ओके सो ये देख सकते हैं अभी मेरा गाड़ी का विंडशील्ड बदल गया, एक लंबा वाला आया है यहाँ पे, और एक्चुअली ये क्लियर वाला है, क्लियर विंडशील्ड है, लेकिन फैक्ट्री डिफेक्ट पीस आया है। सो तब तक ये चलवा लूँगा, ये एक रिप्लेस होगा 2-3 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में रिप्लेस हो जाएगा, तो तब तक ये चलवा लूँगा। ये है स्मोक्ड और ये क्लियर, तो मैंने क्लियर लिया है क्योंकि विजन अच्छा रहता है ऑपोजिट साइड से। सो या अभी चलते हैं, अभी विंड ब्लास्ट नहीं होगा ज़्यादा।